कन्वर्जिंग लाइट रेज आर फॉलिंग ऑन अ कन्वेक्स लेंस, तो एक कन्वेक्स लेंस पे रेज आ रही थी, कन्वर्ज कर रही थी, अपने आप ही कन्वर्ज, लेंस ने नहीं किए, वैसी कन्वर्जिंग रेज है, इन्फिनिटी से आ रही थी। अगर मैंने इसमें लेंस रख दिया, ये और कन्वर्ज हो जाएंगी। तो पहले ये इमेज कहाँ बना रही थी, ओ पे, लेंस ने इसको और कन्वर्ज किया तो कहाँ पर बना दिया, आई पे। तो इसका मतलब लेंस के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है, हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया था। तो अगर मान लो फोकल लेंथ कन्वेक्स की 30 है, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा, तो ये कितने हैं, 10 है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में हमने क्या डिस्कस किया, यू इज पॉजिटिव। वर्चुअल ऑब्जेक्ट में यू क्या होता था, पॉजिटिव। फोकल लेंथ तो वैसे ही पॉजिटिव है, लेंस का फॉर्मूला लगा लेना, 1/v - 1/u = 1/f, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, जो कि राइट पे ही आएगा, क्योंकि इमेज ये कहां पर बना रहा है, फाइनली राइट पे बना, 10 पे नहीं बनाएगा, 7.5 पे बनाएगा। क्लियर है यहां तक? तो ये हमने हैंड रिटन शीट में शायद डिस्कस भी किया था कि कैसे इसको करना है। ठीक, नेक्स्ट है, नीडल 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस। नीडल 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसकी हाइट गिवन है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, सच दैट मिडल पॉइंट ऑफ द नीडल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अगर पहली बार कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पढ़े ना, तो ऐसा पढ़ लेगा इसे, ये रहा आपका लेंस और ये रही नीडल, ये रहा नीडल का मिड पॉइंट। ठीक, नहीं, नीडल लेटी हुई है इस क्वेश्चन में, तो नीडल ऐसे है, ए बी नीडल है, तो नीडल 10 सेंटीमीटर की है और नीडल का मिड पॉइंट इस लेंस से कितनी दूरी पे है, 20 पे है, ऐसे है ये। वैसे डायग्राम देना चाहिए था उसे, नहीं तो स्टूडेंट ऐसे ले सकता है, वर्टिकल ऑब्जेक्ट ले सकता है ये, या देना चाहिए था कि ये प्रिंसिपल एक्सिस पे लेटी हुई है। राइट, क्लियर है यहाँ तक? तो ये फिगर क्लियर है। तो आपको इसमें इमेज का साइज बताना है, तो एक ही तरीका है, आप इसमें बी को ऑब्जेक्ट मान लें, बी की इमेज बना दें, ए को ऑब्जेक्ट मान लें, ए की इमेज बना दें, दोनों इमेज के डिस्टेंस को माइनस कर लें, तो फाइनल रॉड की लेंथ आ जाएगी। तो इसमें बी का डिस्टेंस क्या होगा, 20 में से 5 गया, कितना, 15, माइनस 15, और ए का यू क्या होगा, 20 में 5 ऐड कर दो, माइनस 25। तो इसमें ए के लिए काम करेंगे, ए के लिए जो यू है वो माइनस 25, फोकल लेंथ गिवन है, वी आ गया 16.67। फिर ऐसे बी को लेंगे, बी के लिए माइनस 15, फोकल लेंथ पता है, तो वी आ गया 30। तो इमेज जो है बी की 30 है, ए की कितनी है, 16.67 है, तो इमेज की लेंथ क्या होगी, 30 में से 16.67 को क्या कर देना है, माइनस, इमेज की लेंथ आ गई। मेथड क्लियर है कैसे सोचना है इसमें आपने, ये फॉर्मूला तभी चलेगा जब लेंथ वाइज रॉड या नीडल लेंथ वाइज है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली बार आपका टेस्ट है लेंस मेकर का, बस लेंस का जितना भी पोर्शन आप देख रहे हो, और लेंस कॉम्बिनेशन का, शीट्स भी दी हैं प्रैक्टिस के लिए, करवाया भी है, प्रिपेयर करके आना है। तो इसमें इमेज ऑब्टेंड विद अ कन्वेक्स लेंस इज इरेक्ट, इमेज इरेक्ट है तो वर्चुअल इमेज ही होगी ना, एंड लेंथ इज 4 times लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो क्या गिवन है, मैग्निफिकेशन। इफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20, फाइंड ऑब्जेक्ट एंड इमेज का डिस्टेंस। तो क्या करवाया इसमें, इसके अंदर आप ऐसा कर सकते हो, आपको इसमें यू निकालना है ना, और आपको वी निकालना है, मैग्निफिकेशन आपको गिवन है, तो मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ और यू का फॉर्मूला लगा लो, मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ और वी का फॉर्मूला लगा लो, जो लेंस के लिए याद किया हुआ है। फोकल लेंथ तो दोनों केस में पॉजिटिव ही होगी, वर्चुअल मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और रियल में मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, तो दो केस बना लेना। नहीं, इसमें रियल वर्चुअल है ही नहीं सच, इसमें तो वी और यू निकालना है, तो एक ही मैग्निफिकेशन है, तो मैग्निफिकेशन इसमें +4 है, +4 क्यों, वर्चुअल है, दोनों में वर्चुअल है ना, दोनों में वर्चुअल है, एक में वी और एक में यू निकालना है, तो दोनों को सॉल्व करके यू और वी कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है यहां तक? तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये भी, इस क्वेश्चन को देखना,
इन दिस फिगर कन्वेक्स लेंस गिवन है एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्क्रीन और पॉइंट सोर्स 56 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्क्रीन है. देन अ सर्कुलर स्पॉट ऑफ लाइट ऑफ डायमीटर इक्वल टू डायमीटर ऑफ द लेंस इज फॉर्म्ड. कह रहे यहां से जो लाइट निकलेगी लेंस में से पास करेगी स्क्रीन के ऊपर एक सर्कुलर स्पॉट बनाएगी जिसकी हाइट लेंस के इक्वल ही रहेगी. अब वो कह रहा है शो द रे डायग्राम. तो पहले रे डायग्राम देख लो इसका. ये ऑब्जेक्ट है, रे गई कन्वर्ज हुई या इमेज बनी, पर यहां स्क्रीन नहीं थी ना तो इमेज कहां टिकेगी, हमें तो टिकेगी नहीं, तो लाइट आगे चली गई, आगे चली गई और लाइट कहां गिरी स्क्रीन पे. तो स्क्रीन पे जो हाइट है वो देखो बिल्कुल डायमीटर की इक्वल हाइट है. तो इसका रे डायग्राम है. ठीक है यहां तक प्रैक्टिस से बनेगा. अब ये ना सोचता कि मैं कैसे बनाऊंगा, मैं भी नहीं बना पाऊंगा पहली बार, प्रैक्टिस से बनेगा. क्लियर है यहां तक. तो इसके अंदर लाइट आएगी तो यहां यहां नहीं मिल सकती, अगर मिली गई फिर डायमीटर जितने साइज के, क्योंकि लाइट गिरी उसने ये नहीं कहा इमेज बनी, उसने कहा लाइट का स्पॉट गिरा. तो इमेज तो रास्ते में बनी होगी तो लाइट आगे निकल गई और इतना स्पॉट बना गई. अब ये जो अगर आप ये डायग्राम देखते हो और अगर आप चाहते हो कि ये हाइट सेम रहे तो ये आए इन दोनों के मिड पॉइंट पे ही होगा डिस्टेंस के, तभी ऐसा हो पाएगा. देखो ना कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल होंगे तभी तो बात बनेगी. अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे ऑपोजिट एंगल बराबर है, ये डिस्टेंस बराबर होगा क्योंकि ये डिस्टेंस भी बराबर है, तो बिल्कुल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, बिल्कुल सिमिलैरिटी है, तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगा, तब ऐसा हो पाएगा. ठीक. तो अगर इनके बीच में डिस्टेंस 36 है तो यानी कि इमेज कहां पर बननी चाहिए 18 पे. तो v इज इक्वल टू 18 और u कितना है माइनस 20. तो एक तो काम पक्का है, u माइनस 20 है, v प्लस 18 है, तो यहां से कम क्या निकल आएगी, फोकल लेंथ आ जाएगी. पहला पार्ट क्लियर है, फोकल लेंथ आ गई. अब सेकेंड पार्ट में वो ये कह रहा है कि कैलकुलेट अप टू व्हाट डिस्टेंस सोर्स बी डिस्प्लेस्ड. यू निकालो फिर से, नया यू निकालो सो दैट क्लियर इमेज कहां पर बने, स्क्रीन पे बने. वो कह रहा है जो आई है वो अभी मिड पॉइंट पे बनता है, मैं चाहता हूं कि आई यहां पे बने. तो यू बताओ कितना होगा, यू निकालना है, फोकल लेंथ हमें पता है और वी इस बार कितना होगा 36. तो सेकेंड पार्ट में वी 36 पुट कर देना, फोकल लेंथ हमें मालूम है ऊपर वाले पार्ट से, वो तो चेंज नहीं होगी, सॉल्व करके आपके पास v आ जाएगा 12.8. तो u पहले कितना था 20, अब कितना है 12.8. तो कितना शिफ्ट किया आपने ऑब्जेक्ट को, दोनों को क्या कर लिया माइनस 7.14. तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोच रहे हैं. तो आज जो होमवर्क दिया उसके अंदर ये क्वेश्चन भी मिलेगा, तो एटलीस्ट डाउट नहीं आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे किया हुआ है. ठीक. कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बहुत आता है आपके मेंस में, नीट में, एनसीईआरटी तीनों में आना ही आना है, दो तीन लेंस के ऊपर क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम करने जा रहे हैं. वो कह रहे हैं दो लेंस हैं, एक कन्वेक्स है और एक कनकेव है, और इसमें फोकल लेंथ कन्वेक्स की 15 है, कनकेव की निकालनी है, और इन दोनों लेंस में दूरी कितनी है 14 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर पे है 40 सेंटीमीटर पे है. तो इसके अंदर साफ पता लग रहा है कि ऑब्जेक्ट से रेज निकली होंगी, कन्वेक्स लेंस ने कन्वर्ज किया होगा यहां पे आई डैश पे, पर क्या हुआ रास्ते में क्या आ गया कंकेव लेंस जिसने डाइवर्ज करके इमेज को कहां खिसका दिया यहां पे. तो इसका मतलब कन्वेक्स लेंस के लिए ये आई डैश इमेज है, कंकेव के लिए आई डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है. ये स्टेप क्लियर है. तो एक काम करते हैं लेंस से शुरू करते हैं. लेंस के लिए यू कितना है माइनस फोर्टी. फोकल लेंथ गिवन है, सॉल्व करके वी निकाल लो कितना आ गया 24. ठीक. तो रे डायग्राम मुझे चाहिए भी नहीं वैसे, इसमें वैसे बता रहा हूं. तो यहां पर जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी एट डिस्टेंस ऑफ 24. अब बारी किसकी है कनकेव लेंस की. दोनों लेंस में डिस्टेंस कितना है 14. तो इस लेंस से क्योंकि ये लेंस इसे ऑब्जेक्ट मानेगा तो 24 में से 14 क्या कितना आया 10. तो कनकेव के लिए ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो यू क्या होगा इसमें प्लस 10. राइट साइड का डिस्टेंस है प्लस 10, माइनस 10 नहीं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट में यू पॉजिटिव रहता है. क्लियर है यहां तक. ये स्टेप समझ में आया, रिपीट कर रहा हूं. इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है कितना 40 माइनस 40. तो इमेज कहां पर बनी यहां पर एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना 24 आपने लेंस के फॉर्मूले से निकाल दिया. आ गया यहां तक लेंस के फॉर्मूले से 24 आ गया. अब बारी है कनकेव की. कनकेव इसे क्या मानेगा ऑब्जेक्ट. अब डिस्टेंसेस सारे कनकेव से लेंगे. ये डिस्टेंस 14 है, 24 में से 14 गया तो कितना आया 10.
तो कनकेव के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या माना जाएगा 10, और कनकेव क्या निकालेगा इमेज का डिस्टेंस। समझ में आ रहा है यहां तक? तो क्वेश्चन में रादर इमेज का डिस्टेंस भी आपको बिल्कुल क्लियर गिवन है, इमेज का डिस्टेंस इसमें 30 सेंटीमीटर गिवन है। तो आप जब कनकेव के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, कनकेव में यू क्या लेंगे +10, फोकल लेंथ निकालनी है और वी राइट साइड पे ही है +30, तो यू इसमें +10, वी इसमें +30, सॉल्व करके क्या आएगी फोकल लेंथ आ जाएगी। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? बस एक चीज बता देता हूं इसमें मैं, पहला लेंस तो नॉर्मल बिहेव करता है, यू नेगेटिव के साथ वी निकाल देता है। दूसरे लेंस के लिए जो पहला लेंस इमेज बनाता है, दूसरा लेंस उसको ऑब्जेक्ट मान लेता है, तो वो नॉर्मली पॉजिटिव में रहता है, यू नॉर्मली पॉजिटिव में देखा जाता है, राइट की तरफ बनता है। फिर देखते हैं, ये देखो, फिर देखो इस बार क्या है, आपको फोकल लेंथ ऑफ कनकेव निकालनी है। सेम क्वेश्चन है, कन्वेक्स और कनकेव में दूरी कितनी है 10 और ऑब्जेक्ट कितना है यहां पर 60। स्टार्ट कहां से करना है? कन्वेक्स लेंस से। कन्वेक्स लेंस का यू कितना है -60, फोकल लेंथ कितनी है +20, तो कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ +20, यू -60, सॉल्व करके क्या आ जाएगा वी, वी कितना आया +30, तो वी +30 कहां बनेगा राइट पे कहीं बनेगा, ये देखो +30 यहां से कहीं राइट पे बन गया +30। दोनों लेंस में डिस्टेंस कितना है 10, तो कनकेव से 30 में से 10 गया क्या आया 20, तो कनकेव से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है +20, राइट। और डायग्राम में गिवन है कि इमेज कनकेव कहां पर बना रहे हैं इंफिनिटी, तो कनकेव के लिए यू +20, इमेज इंफिनिटी, फोकल लेंथ निकाल लेना -20। सेम स्टाइल है फिर से, ठीक है यहां तक? फिर देखो, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 इज प्लेस कोएक्सियली 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे पड़ा हुआ है, फाइंड पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन। डायग्राम नहीं बनाया मैंने, इसे बना देता हूं। एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 30, एफ इज इक्वल टू +10, 5 सेंटीमीटर अवे, ये 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कनकेव, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है -10, ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30, तो U कन्वेक्स लेंस के लिए -30। फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, क्या करना है, पहले U नेगेटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव, ये क्या बनाएगा यहां पर कहीं V, फिर जो V में से 5 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो ये क्या माना जाएगा इसका U, और फिर उसके बाद V निकलेगा। ये देखो यही किया हुआ है, कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पता है, U नेगेटिव तो V आ गया, इस 10-15 सेंटीमीटर V आया, दोनों लेंस के बीच में डिस्टेंस 5 है, 15 में से 5 गया 10, तो U +10 वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, फोकल लेंथ गिवन है, और यहां से V आ जाएगा इंफिनिटी। मेथड वही है सेम, जैसे ये क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। स्लाइड इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस इन अ प्रोजेक्टर। ये जो प्रोजेक्टर होते हैं, मूवी भी देखते हो, ये भी है, रील डलती है, रील, अब पुराने जमाने में तो रील डलती थी, नहीं डलती, ओम शांति ओम देखो ना, उसमें वो दिखाता है पूरा, उसमें रील, वो फिल्म डलती है तो पीछे वो रोल चल रहा होता है, तो वो सामने प्रोजेक्शन आती है। आजकल कंप्यूटराइज्ड है, सीडी लगा देते होंगे या वो चिप लगा देते हैं, बस वहीं से चलती है। चलो ठीक है, तो अभी क्या, पहले रील चलती थी, तो रील चल रही है और उसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर आ रही है सामने स्क्रीन पे, तो प्रोजेक्टर के अंदर जो लेंस है वो कन्वेक्स है कि कनकेव है? रील कहाँ डलेगी, लेंस के पीछे, लेंस उसकी इमेज बड़ी करके दिखा रहा है स्क्रीन पे, ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड क्या बनती है, रियल, लेंस में रियल, ऑन लेंस में अदर साइड पे रियल बनती है, तो प्रोजेक्टर में अगर कन्वेक्स लेंस है, ऑन द अदर साइड बनानी है इमेज तो रियल बनती है, रियल इमेज है इन्वर्टेड बनती है, और अपने को सीधा दिख रहा है, अपने को सीधा कैसे दिखता है फिर, नहीं अपन प्रोजेक्टर उल्टा टांगते हैं, वो देख लो एप्सन उल्टा लिखा हुआ है कंपनी का नाम, प्रोजेक्टर उल्टे लगे होते हैं ना, प्रोजेक्टर सीधे होते ही नहीं, हम प्रोजेक्टर उल्टा कर देते हैं, इससे वो जो उल्टी इमेज है वो हमें सीधी दिखती है, लेंस तो सही काम कर रहा है, ठीक हो गया। हमारे जो आई का लेंस है वो भी कन्वेक्स है, मेरी आंखों के पर्दे पे स्क्रीन पे इमेज बन रही है, रियल इमेज बनती है, आप ऑब्जेक्ट हैं, मुझे पूरी क्लास एक्चुअल में उल्टी नजर आती है, हमारा ब्रेन उसे क्या करता है, सीधा कर देता है, कमाल है, ठीक, वैसे लेंस उल्टा ही बनाता है सब कुछ। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस एक ऑब्जेक्ट है,
और 3 मीटर दूर स्क्रीन है। शो द इमेज फॉर्मेशन बाय रे डायग्राम। ये देखो ये ऑब्जेक्ट है और आपको कौन सी इमेज बनानी है, रियल बनानी है। आप ये डायग्राम मत बनाओ ना, आप अपना स्टैंडर्ड रियल इमेज का डायग्राम बना दो। सिंपल, रियल इमेज, एक ऑब्जेक्ट लो, रियल इमेज बना दो, बस वही डायग्राम है इसका। ये मत बनाओ, इसकी जरूरत ही नहीं आपको। ठीक, फिर वो अगले पार्ट में क्या कह रहा है, वॉट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द स्लाइड। मतलब यू निकालना है आपको, टू गेट इमेज 4 मीटर फ्रॉम द लेंस। तो अब वो कह रहा है सेकेंड पार्ट में कि इमेज 400 सेंटीमीटर पे बनानी है, तो आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, पर आपको तो फोकल लेंथ भी नहीं पता, तो आपको ए पार्ट यूज करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे है, इमेज 3 मीटर पे है, तो फर्स्ट पार्ट पे ऑब्जेक्ट -15, इमेज 300, तो यहां से फोकल लेंथ निकलेगी, फोकल लेंथ आ गई। फिर अगले पार्ट में इमेज बनानी है 400 पे, फोकल लेंथ सेम है, तो यू निकलेगा, तो यू आएगा -14.8। तो समझ में आ रहा है, पहला डेटा आपको गिवन है 3 मीटर वाला था कि आप फोकल लेंथ निकाल सको, फिर फोकल लेंथ सेम रहेगी, दूसरे पार्ट में इमेज 4 मीटर पे है, तो यू निकाल लें। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, ये ऑब्जेक्ट है, बोलो इसके लिए यू क्या होगा, इन्फिनिटी, तो ये क्या बनाएगा, इमेज। जहां पर इमेज बनाएगा इसके लिए वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो आप क्या करोगे, 20 सेंटीमीटर वी में से माइनस, तो यू आ जाएगा, फोकल लेंथ आ जाएगी, निकालना जो निकालना है। सेम क्वेश्चन है, होमवर्क है, कुछ नहीं करना। आज की शीट में ऐसे क्वेश्चंस गिवन है, ये भी होमवर्क है, ये भी खुद करना आपकी शीट। ये करेंगे एनसीईआरटी में, मेंस में, जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, और सीबीएसई में भी आया हुआ है, बोर्ड में भी आया है, और मेंस में भी आया है, नीट में भी आते हैं कॉम्बिनेशंस। तो क्या क्वेश्चन है, पोजीशन ऑफ द इमेज, लेंस कॉम्बिनेशन, इमेज कहाँ बनाएगा ये बताओ। रूल क्या है, 30 सेंटीमीटर इसके लिए यू इज इक्वल टू -30, ये क्या बनाएगा, वी। फिर आपका जो वी आएगा वो इसके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट। फिर ये उसे ऑब्जेक्ट मान के क्या बनाएगा, वी। जो वी आएगा इसके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट। फिर क्या बनाएगा, वी। दो बार, 3 बार लगेगा। पहले कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस में यू कितना, -30, फोकल लेंथ +10, सॉल्व करके वी आ जाएगा 15। 1/f इज 1/v -1/u से 15 आ गया, 15। तो ये इमेज कहाँ बनाएगा, 15 पे। तो हमने अब डिस्टेंस कनकेव से लेने हैं, 15 में से 5 गया तो कितना आएगा, 10। तो कनकेव के लिए यू क्या होगा, +10, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, +10। कनकेव की फोकल लेंथ गिवन है, तो कनकेव क्या बनाएगा, इमेज। इमेज कहाँ बनाएगा, इन्फिनिटी। अब थर्ड लेंस है कन्वेक्स, थर्ड लेंस के लिए यू क्या होगा, इन्फिनिटी। फोकल लेंथ आपको पता है, तो सॉल्व करके क्या आएगा, वी आंसर। तो समझ में आ रहा है कि कैसे एक एक करके सॉल्व करते जाओ, आंसर आ जाएगा। बाकी जो आज का होमवर्क दिया है वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे ही होमवर्क है, तो आप खुद ट्राई करोगे तो ही आप समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है?